नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, जनता बाज़ार थाना प्रभारी संतोष कुमार जी के निर्णय के अनुसार सब्जी मंडी जो सड़क पर लग रहा था, वो सब्जी मंडी कल से श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में लग रहा है। यहाँ जगह भी काफ़ी है और शांति व्यवस्था है, लोग आने जाने में डिस्टर्ब नहीं होते हैं और इस तरह से यहाँ सब्जी मंडी लग रहा है। लोग आ भी रहे हैं, व्यापारी दो घंटे के लिए यहाँ अपना होलसेल विक्रेता लोग आते हैं, ग्रामीण किसान आते हैं, अपने सामान को बेच करके चले जाते हैं। हालांकि कोरोना काल को, कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए थाना प्रभारी संतोष कुमार जी का ये अच्छा निर्णय है और इनकी बहुत सराहना हो रही है और ग्रामीण जनता इनकी बातों को मानते हुए बाजार यह जो है श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में लगा रहे हैं और यहाँ ग्राहक आते हैं, अपना सब्जी लेकर के जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस तरह से कोरोना की स्थिति है, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मुंह में मास्क लगाते हुए ही आप लोग घर से बाहर निकलें और बाज़ार करना हो या जो भी करना हो, इन सब से बचते हुए आप बाज़ार करें, चूँकि जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है। मैंने सोचा कि जिन लोगों को, जिन किसान बंधु को दिक्कत होगा कि सब्जी मंडी कहाँ चला गया, कहाँ लग रहा है, तो ये सूचना मैं आप लोगों को दे दूं। तो कल से सब्जी मंडी श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में लग रहा है। वहाँ किसान आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं और अपने सामान को बेच रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को जानकारी हो सके और उनको किसी प्रकार की असहूलियत ना हो और इस कोरोना काल में बच कर रहें, जितना हो सके बचें। धन्यवाद।